नमस्कार दोस्तों। आज आप लोगों का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज मैं आपको फोटोशॉप में लेयर मास्क का यूज करते हुए किसी भी मूवी का पोस्टर कैसे बनाते हैं ये चीज़ मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। ठीक है, आपने एक मूवी देखी होगी एवेंजर, तो मैं आज एवेंजर का पोस्टर बनाने जा रहा हूँ। जैसे कि आप थिएटर के बाहर किसी होल्डिंग पे आप बैनर देखते हैं किसी भी मूवी का, तो वो बैनर मैं आपको बना बना के दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले जो चीज़ आपको रिक्वायरमेंट होता है, सबसे पहला रिक्वायरमेंट होता है आपको बैकग्राउंड। ठीक है, ऐसा मैंने इस टाइप का कोई बैकग्राउंड मैंने डाउनलोड कर लिया नेट से। उसके बाद एवेंजर मूवी के कुछ करेक्टर, जैसे कि हो गया आपका आयरन मैन, हल्क हो गया आपका, या कैप्टन अमेरिका हो गया, इसी प्रकार से थोर का हो गया, और ये हमारा है इसका लोगो। ठीक है, ये चीज़ मैंने पहले से डाउनलोड कर लिया, क्योंकि इन पोस्टर को बनाने के लिए हमें इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। अब इन सब चीज़ों का यूज़ करते हुए मैं एक पूरी मूवी का पोस्टर बना के तैयार करूँगा। ठीक है, तो सिंपली ये मैंने फोटोशॉप ओपन कर लिया, उसके बाद मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड को, चलो ठीक, मैं शुरू कर लेता हूँ। ये रहा हमारा बैकग्राउंड, मैंने यहाँ से ड्रॉप ड्रैग किया और फोटोशॉप पे ला के ड्रॉप कर दिया, ये यहाँ पे सेट हो गया। ठीक है, उसके बाद आपको एक एक करके सारे करेक्टर को यहाँ पे ला के ड्रैग एंड ड्रॉप करना है लेयर मास्क का यूज़ करते हुए। ठीक है, तो मैंने इसको यहाँ पे लाके छोड़ दिया। उसके बाद आप इसे अपने तरीके से एडजस्ट कर लीजिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। देन आपको यहाँ पे इंटर प्रेस करना है। उसके बाद ये वाला लेयर हमारा यहाँ पे बन गया, और यहाँ पे हमें लेयर मास्क यूज करना है। ये रहा हमारा लेयर मास्क, इस पर जैसे मैंने क्लिक किया ये हमारा एक्टिवेट हो गया। ठीक है, तो इस साइड से हमें थोड़ा सा पेंट करना है और इस साइड से हमें यहाँ पे पेंट करना है। आपको पता है लेयर मास्क में अगर हम ब्लैक पेंट करते हैं तो वो लेयर मिट जाता है, और वाइट पेंट करते हैं तो वो लेयर आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए ब्लैक और वाइट यहाँ पे अवेलेबल है, अभी यहाँ पे ब्लैक एक्टिव है। ठीक है, अगर हम अपने कीबोर्ड से एक्स प्रेस करते हैं तो ये रिवर्स हो जाएगा, रिवर्स हो गया। अब देखिए यहाँ ब्रश में वाइट आ गया, अगर हम यहाँ पेंट करेंगे ये चीज़ फिर से आ जाएगा। ठीक, तो हमें यहाँ पे ब्लैक पेंट करना है ताकि हम इस चीज़ को यहाँ पर अच्छे से मिक्स कर सकें। ठीक, सेम एडिटिंग अब ऐसे ही करते जाएंगे। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे रखता हूँ कैप्टन अमेरिका को। ठीक, इसे भी मैं यहाँ पे अपने तरीके से एडजस्ट कर लेता हूँ। सेम अब इस लेयर पे भी हमें लेयर मास्क यूज़ करना है, तो यहाँ पे क्लिक किया, लेयर मास्क पे क्लिक किया, तो हमारा यहाँ पे पहले से ब्लैक सेलेक्ट है, तो हमें बस यहाँ पे ऐसे फेरना है। ठीक, ये आ गया। देन मैं यहाँ पे लाता हूँ हल्क को, इसे भी मैं एडजस्ट कर लेता हूँ साइज के अकॉर्डिंग, ताकि ये आराम से यहाँ पे फिट हो जाए। इसमें वैसे कुछ ज़्यादा है नहीं, लेयर मास्क का यूज है मेन। ठीक है, लेयर मास्क का यूज इसमें बहुत अच्छे से इंटरप्रेस कीजिए, फिर यहाँ पे हल्क पे जाके यहाँ पे क्लिक करके सेलेक्ट हो जाएगा, और लेयर मास्क पे क्लिक करेंगे ये देखिए लेयर मास्क एक्टिवेट हो गया। और सिंपली आप यहाँ से वाइट पेंट कर दीजिए ताकि ये चीज़ आपका अच्छे से मिक्स हो जाए बैकग्राउंड के। ठीक, देन हमें मैं जाता हूँ थोर को, इसी प्रकार आप सबको एडजस्ट कर लीजिए अपने तरीके से। यहाँ पर भी हमें लेयर मास्क यूज करना है। देन मैं इसे लाता हूँ एट द एंड में, इसे भी मैं एडजस्ट कर लेता हूँ अच्छे से।
अब यहाँ पे देखिए नीचे जो है कि हमारा कुछ और टाइप का लग रहा है, ठीक है। तो हम एक एक करके क्या करेंगे, एक एक सारे मास्क को हम सेलेक्ट करेक्ट करते जाएंगे, उसके बाद नीचे से थोड़ा सा हम ब्लर कर देंगे। यहाँ पे ये देखिए मैंने पहले इसे सेलेक्ट किया, देन इसे सेलेक्ट किया, देन हल्क को यहाँ पे सेलेक्ट किया। और यहाँ पर हमेशा याद रखें जब आप अपने लेयर मास्क को सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर ये आइकन एक्टिवेट हो जाएगा, ये रेक्टेंगल आइकन यहाँ पर देख रहे हैं आप। तो हल्के नीचे मैं यहाँ पे थोड़ा सा ब्लर कर देता हूँ ताकि ये बैकग्राउंड से मिक्सअप हो जाए। देन आपका है कैप्टन अमेरिका, उसके बाद सबसे नीचे है आपका आयरन मैन, ठीक। हमें आयरन मैन को फ्रंट फ्रंट पे रखना है, ठीक है, ताकि वो ज़्यादा शो हो। तो इसके लिए हमें इस लेयर को सबसे ऊपर में जाके ड्रैगन ड्रॉप कर देना है। तो ये हमारा यहाँ पे ऊपर आ गया। अब बारी आती है मूवी का लोगो, ठीक। मूवी का लोगो हमारा यहाँ पे है, यहाँ से सिंपली हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। चलो तो ठीक, मूवी के लोगो से पहले हम कुछ और करते हैं। ये तो हमारा मिक्सअप हो गया। अब यहाँ पे देखिए इसका बैकग्राउंड जैसा है, हमें बैकग्राउंड की तरह जो है ना इसका कलर जो है मैच करना है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले सारे लेयर को सेलेक्ट करना पड़ेगा। इसके लिए सबसे पहले मैं ऊपर क्लिक करता हूँ शिफ्ट दबा के, उसके बाद नीचे यहाँ पे क्लिक करता हूँ। ये हमारा यहाँ पे सेलेक्ट हो गया। और यहाँ पे स्क्रीन, यहाँ पर साइज जो है, यहाँ पे हमें स्क्रीन करना है। स्क्रीन करेंगे तो ये हमारा जो है ना बैकग्राउंड से मिक्सअप हो जाएगा, ठीक। देन आप उसके बाद क्या करेंगे, आप यहाँ पे सिंपल मूवी का लोगो लाइए और उसे आप एडजस्ट कीजिए, ठीक। इसे हम एडजस्ट कर लेते हैं, मूवी का नाम जो है एवेंजर। मैं यहाँ पर भी इस पर भी मास्किंग यूज़ करता हूँ, इस पर क्लिक किया, मास्क पे क्लिक किया, और मैं आराम से इसे मैं ऐसे 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 करके डिलीट करके इसका नेम अच्छे से एडजस्ट कर लेता हूँ। आप आराम से इसको करते जाइए, जो भी इसका ब्लैक एरिया उसको आप हटा दीजिए ताकि ये इसका बैकग्राउंड अच्छे से क्लियर दिखाई दे, और वो उसका लुक जो है अट्रैक्टिव हो जाएगा फिर, ठीक। यानी ये चीज़ करने के बाद आपको इसे एक ग्रुप में कन्वर्ट करना है। ग्रुप में कन्वर्ट करने के लिए सारे लेयर को आप सेलेक्ट कीजिए, सेलेक्ट करने के लिए ऊपर में आप एक बार क्लिक कीजिए और शिफ्ट दबाइए, और यहाँ से इसको नीचे आइए, सबसे नीचे वाले लेयर पर क्लिक कर दीजिए, ये आपका सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आप अपने कीबोर्ड से प्रेस कीजिए Ctrl+G, ये आपका ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर यहाँ से आप इस पर क्लिक कीजिए, यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप लीनियर डोगडा में क्लिक कीजिए, और आपका ये जो मूवी का नेम है वो स्क्रीन के साथ बिल्कुल मैच हो जाएगा, ऐसा नहीं लगेगा आपने इसमें कुछ एडिट किया है। देन आपको कर्व पे जाना है, यहाँ पे क्लिक कीजिए, कर्व पे क्लिक कीजिए, और थोड़ा सा आप इसका ब्राइटनेस वगैरह यहाँ से सेट कर लीजिए, बस परफेक्ट, दिस इज परफेक्ट। ये आपका मूवी का पोस्टर बनके रेडी हो गया है। आप इसे किसी बैनर या होल्डिंग पर लगा के चेक कीजिए, जिसका लुक बिल्कुल औसम लुक है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।